वेलकम टू एफ ए ऑनलाइन क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है फेमस राइवलरीज। तो चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए फेमस तो आप जानते हैं, मशहूर, ठीक है। और राइवलरीज मतलब होता है दो लोगों के बीच में सोच का इख्तलाफ, ठीक है। तो उस सोच के इख्तलाफ को उन्होंने राइवलरी कहा है, या सोच का इख्तलाफ कह लीजिए आप, या कॉम्पिटिशन कह लीजिए। तो ये दोनों ही चीज़ें राइवलरीज में आ जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। In the present competitive world, fierce rivalry has become the order of the day in almost every field. कह रहे हैं आज की competitive दुनिया में, यानी कि competition करती दुनिया में rivalries होना बहुत आम सी बात है, ठीक है। और rivalry भी आसान वाली नहीं, अच्छे खासे difficult rivalries चल रही हैं। fierce यहाँ लिखा हुआ है, fierce मतलब भयंकर, भयंकर मतलब बहुत ऊंचे level की rivalry है ना। हर company चाहती है कि मेरा फायदा हो। अब rivalry से आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे सपोज कि मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक दो बिस्किट की कंपनीज है ना, तो दो बिस्किट की कंपनीज के बीच में राइवलरी हो सकती है, क्योंकि वो कंपीट करेंगी एक ही फील्ड में। ये दो पॉलिटिशियंस हैं तो वो राइवल्स हो सकते हैं, क्योंकि वो एक ही फील्ड को बिलोंग करते हैं। दो अलग अलग फील्ड के लोग जो है वो राइवल्स कैसे होंगे, बताइए आप खुद ही। फिर राइवल होने की वजह ही नहीं है। तो एक ही फील्ड के लोग जो है एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, तो इसीलिए वो राइवल्स बन जाते हैं। इंडिया फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल हैज बीन अ लैंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइवलरीज। तो कह रहे हैं कि इंडिया जो है उस वक्त से, यानी जिस वक्त को हम भुला नहीं सकते हैं, उस वक्त से ही जो है उसके इसके अंदर बहुत सारी राइवलरीज रही हैं। और राइवलरीज भी कौन सी वाली, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी कि बहुत ऊंचे लेवल की राइवलरीज जो है। इन द पॉलिटिकल फील्ड वी हैव विटनेस द राइवलरी बिटवीन महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में अगर हम देखें तो हम इस बात के मतलब वक्त जो है वो इस बात का गवाह है कि दो लोग राइवल्स रहे एक दूसरे के, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के नाम आप जानते हैं, दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे। दे वर एट ऑड्स विद ईच अदर ऑन मैनी इशूज। तो कह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत सारे इशूज पर खिलाफ रहते थे, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे। गांधी वॉज अ डिवोट हिंदू, नेहरू वॉज अगेंस्ट एनी ओवर डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस सेंसिबिलिटीज। तो गांधी जी जो थे वो एक डिवोट हिंदू थे, यानी बहुत पक्के धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, बिल्कुल धर्म को मानने वाले थे। लेकिन नेहरू जी जो थे वो किसी भी ऐसे रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को दिखाने से परहेज करते थे, यानी मतलब अगर वो उसको मानते भी थे तो उसको किस तरह मानते थे उसको जो है दिखाना नहीं चाहते थे, बिना दिखाए उसको फॉलो करते थे। गांधी जी वॉज अपोज टू इंडस्ट्रियलाइजेशन बट नेहरू वॉज फॉर प्लान इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट बोथ रिस्पेक्टेड द व्यूज ऑफ ईच अदर। गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, यानी मशीनीकरण, जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके से मशीन्स का आ जाना, सारा काम मशीन्स के थ्रू होना। तो गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि हमें घरेलू उद्योगों को या छोटे 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 जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको या हाथ के काम को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था कि हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि दोनों के व्यूज बहुत अलग अलग है, पर उसके बावजूद भी वो एक दूसरे की व्यूज की कदर करते थे और रिस्पेक्ट करते थे। बिजनेस राइवलरीज हैव बिकम क्वाइट कॉमन एज टुडेज इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडस्ट्रियलिस्ट इज बेंट अपॉन डोमिनेटिंग बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स। कह रहे हैं इसी तरह बिजनेस राइवलरीज भी होती हैं, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन है और आजकल के सिनेरियो में तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। आजकल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इकोनॉमिक डोमिनेशन भी चाहते हैं और पॉलिटिकल स्फीयर्स में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। द राइवलरीज बिटवीन टाटाज एंड बिरलाज एंड अंबानी ब्रदर्स कैन बी साइटेड एज एग्जाम्पल्स। और इसी तरीके से जैसे टाटा बिरला हैं, अंबानी ब्रदर्स हैं, यानी अंबानी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, तो इन सबके बीच में भी बहुत सारी राइवलरीज हैं जो हमारे एग्जाम्पल, हमारे लिए एग्जाम्पल हो सकती है, अच्छा एग्जाम्पल। इन स्पोर्ट्स अरेना देयर हैव बीन मैनी एपिक कंटेस्ट लाइक कपिल देव एंड सुनील गावस्कर, स्पास्किन, फिशर, फेडरर एंड नडाल। इवन इन बॉलीवुड देयर इज अ टॉक ऑफ राइवलरी बिटवीन अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान। तो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स की फील्ड में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एपिक कंटेस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने वक्त में राइवल्स रहे, जैसे कपिल देव और सुनील गावस्कर हैं, स्पास्की और फिशर हैं, फेडरर और नडाल हैं, ठीक है। और बॉलीवुड में भी जो राइवलरी है तो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बीच में है, ठीक है। अ फ्यू फेमस राइवलरीज डिस्कस्ड हेयर आर नॉट क्रूड वन अपमैनशिप, दे आर इन फैक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप एंड दे हैव लेफ्ट देयर मार्क्स ऑन द पेजेज ऑफ हिस्ट्री। तो कह रहे हैं कि कुछ फेमस राइवलरीज जो हैं वो इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं।
और इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से कौन जीता कौन हारा, ऐसी सिचुएशन नहीं है, बस ये दिखाया गया है कि हाँ ये लोग एक दूसरे के राइवल्स हैं और उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक जटिल रिलेशंस है, जटिल मतलब होता है थोड़ा मुश्किल रिलेशंस है ना, लड़ाई वगैरह नहीं है उनके बीच में। और ये जो चीज़ें हैं इन्होंने हिस्ट्री पर बहुत गहरे निशान छोड़ रखे हैं, तभी हम अभी तक इनको देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं ना। देयर राइवलरीज हैव सर्टेनली हैव हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। और उनकी जो राइवलरीज हैं उन दोनों दोनों ही का मकसद अपना फायदा नहीं है, उन दोनों ही का मकसद क्या है कि वो अपनी फील्ड के अंदर जो अपने फील्ड से प्रभावित होने वाले लोगों का भला कर सके, तो ये उनका मकसद है। एज दे आर एसेंशियली पर्सन्स ऑफ ब्लैमिशलेस कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी। और वैसे भी वो लोग ऐसे लोग थे जो कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी और करेक्टर को बिलोंग करते हैं, और उनके अंदर पूरी वो मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, उनके अंदर मतलब परफेक्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है, और वो ब्लैमिशलेस लोग हैं, यानी उनके अंदर अपनी कोई गलती ऐसी नहीं है कि मतलब वो सोच रहे हो कि भाई हमारा फायदा हो इसलिए वो किसी के खिलाफ हो, उनका ये मकसद हरगिज नहीं है, वो बल्कि पूरे समाज के लिए या कम से कम एटलीस्ट अपने अपने टाइप के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर वर्सेस गांधी, यानी कि अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी, इनके बारे में है, इनके बीच में क्या राइवलरीज रही होंगी, देखते हैं जरा। फॉर अम्बेडकर एंड गांधी पॉलिटिक्स वॉज नेवर अ ट्रिवियल एक्टिविटी। तो कह रहे हैं अम्बेडकर और गांधी दोनों ही के लिए जो है पॉलिटिक्स कभी भी कोई छोटी चीज़ नहीं, छोटी चीज़ का मतलब ये था कि उनका मकसद सिर्फ अपना फायदा कमाना है, पैसे कमाना है, जेबें भरना नहीं था, उनके लिए पॉलिटिक्स जो थी वो बहुत अहम चीज़ थी जिसके थ्रू वो लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं, उनको जीने के काबिल बना सकते हैं। फॉर देम इट वॉज एसेंशियली अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो दोनों के लिए वो क्या था, एक एक जरिया था, एक कि उन्होंने कमिटमेंट कर रखी है लोगों से कम इंडिया के लोगों से, उन्होंने जो कमिटमेंट कर रखी है वो उसको कंप्लीट कर सके। बोथ वांटेड टू फाइट कास्ट एंड गिव दलित्स देयर राइटफुल प्लेस। दे अबहॉर्ड द वे द दलित्स वर ट्रीटेड इन आर कंट्री। दे हाउएवर डिफर्ड इन देयर सॉल्यूशंस। कह रहे हैं कि उन दोनों ही का मकसद क्या था कि जिस तरह हमारे इंडिया में लोगों को ट्रीट किया जाता था, ट्रीट कौन सा है लोगों को, यानी जो कास्ट सिस्टम है ना, कास्ट सिस्टम के अंदर जो सबसे नीचे वाला जो तबका आता है, चौथी चौथा जो वर्ण है, उसके अंदर जो लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, उसके खिलाफ ये दोनों काम कर रहे थे, ठीक है। ये चाहते थे कि इनको इस नाइंसाफी से छुटकारा मिल सके और जो एक बहुत ज़्यादा नफरत इनसे की जाती है उसको ख़त्म किया जा सके, और ये सब ज़्यादातर हमारी ही कंट्री में विद्यमान था। तो हालांकि उन्होंने इसकी कोशिश की, लेकिन उन दोनों के ही जो सॉल्यूशंस थे वो अलग अलग थे, अपने अपने लेवल पर वो दोनों अलग अलग इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, और दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक भी थे। गांधी हैड इमेंस फेथ इन रिलीजन एंड फॉर हिम देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू रिलीजन। यानी कि गांधी जी का जो था यकीन रिलीजन में बहुत पक्का है, यानी वो बहुत पक्के धार्मिक हैं, तो इसलिए उनका ये मानना था कि अगर हम धर्म को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, फिर कुछ हो नहीं सकता। ही ट्राइड हार्ड टू रिमूव द टेंट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक लाइफ। कह रहे हैं कि उन्होंने इस टेंट मतलब इस बदनुमासी चीज़ को, यानी जो कास्ट का एक धब्बा लगा हुआ है हमारे समाज पर, उसको हटाने की कोशिश की, इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश की पब्लिक लाइफ से। ही बिलीव दैट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट एंड एन एक्ट ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ ऑल द पीपल इंक्लूडिंग द हिंदूज। तो उनका ये मानना था, उनका यकीन था कि अगर हम चाहते हैं अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें कलेक्टिव एफर्ट करने पड़ेंगे, यानी सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे, और ये सब क्या होगा, अपना सेल्फ प्योरिफिकेशन होगा, यानी पहले सब अपने आप के अपना दिल अपना दिमाग जो इस चीज से साफ करेंगे। तो सब कलेक्टिवली एफर्ट करेंगे, और साथ साथ क्या होगा कि हमारा सेल्फ प्योरिफिकेशन भी होगा, अपने दिलो दिमाग से हमें इस चीज को निकालना होगा, ठीक है, और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, ताकि लोग जो इस बात को समझ सकें कि जो पेन इनको हो रहा है, यानी जब हम किसी को बुरा ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा उसे तकलीफ होगी, तो उसको मैं खुद भी महसूस कर सकें, ठीक है। और सारे हिंदूज को ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये हिंदूज में होता है। फॉर दिस पर्पज देयर शुड बी एन इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ मेजर डॉक्ट्रिनल शिफ्ट इन ऑल द रिलीजियस एक्टिविटीज। तो ये कह रहे हैं कि इस पर्पज के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि हमारे सबके अंदर एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी हमारे इमोशंस को, एक इंसान के इमोशंस को सभी फील करें। दूसरा जो है क्या हो कि एक मेजर डॉक्ट्रिनल शिफ्ट होनी चाहिए। डॉक्ट्रिनल शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि सभी लोग एक बात पर इत्तफाक कर लें, है ना, सभी जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस सब पर एक इत्तफाक कर लें, यानी जैसे अब
इनके यहाँ जो रूल्स बने हुए होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, अभी चार वर्ण होते हैं, तो चार वर्ण के अंदर सबसे ऊपर वाला जो है वो तो सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि सारे राइट उसको मिले हुए हैं, है ना। तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे जिसमें चारों के चारों वर्ण ही हैप्पी हों, खुश हों, एग्री कर जाए, ठीक है। अम्बेडकर बिलीव दैट नो पर्पज वुड बी सर्व बाय द सिम्बॉलिक एक्ट्स लाइक टेम्पल एंट्री, अ फ्यू दलित्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स और देयर एमानसिपेशन फ्रॉम इकोनॉमिक क्लचेस। तो कह रहे हैं कि लेकिन अम्बेडकर का ये मानना था कि इससे हमारा मकसद कम्प्लीट नहीं हो सकता। हम ये करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम कर लें अगर, कि भाई हमने दलितों को मंदिर में एंट्री दिलवा दी, या फिर इसके अलावा कुछ दलितों को हमने पॉलिटिक्स में एंट्री दिलवा दी, या इसके अलावा कुछ दलितों को हमने छुड़वा लिया टैक्सेस वगैरह से, तो ये काफ़ी नहीं है। ही बिलीव दैट द कास्ट वॉज अ वेरी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन एंड इट कंसल्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एन असेंडिंग स्केल ऑफ रेवरेंस और अ डिसेंडिंग स्केल ऑफ कंटेम्प्ट। तो ये कह रहे हैं कि इनका ये मानना था कि जब हम रिलीजन को फॉलो करेंगे तो उसमें कास्ट सिस्टम आना ही आना है, ठीक है। और कास्ट सिस्टम जब आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, जितनी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी उतना ही जो कास्ट सिस्टम को उतने ज़्यादा लोग फॉलो करते चले जाएंगे। जब कास्ट सिस्टम को फॉलो करते चले जाएंगे तो यानी वही चार वर्ण बनेंगे, चार वर्ण के अंदर सबसे नीचे वाला जो वर्ण होगा उसको सबसे ज़्यादा हैरास किया जाएगा। भाई गांधी जी सॉल्यूशन ले इन द एमानसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल, अम्बेडकर वॉन्टेड अ ड्रास्टिक चेंज इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप। तो कह रहे हैं कि जबकि गांधी जी जो है उनका ये मानना था कि सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, अपने अंदर मिलेगा, है ना, अपने अंदर, हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं इस चीज़ कास्ट सिस्टम को लेकर के, तो उनको हमें एमानसिपेट करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा अपने अंदर से। लेकिन अम्बेडकर जो चाहते थे, उनका ये चाहना था कि हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और सारे प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि जो ये चीज़ है ना वो रिटर्न हो जाए, कि अब ऐसा नहीं होगा, अब कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा, अब जो कास्ट सिस्टम है उसको इस तरीके से फॉलो नहीं किया जाएगा जितनी बुरे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। अम्बेडकर वॉज नेवर ओवरवेल्ड बाई गांधी जी इज ऑसम रेपुटेशन बट ऑलवेज अप्रोच हिम वेरी विद ड्यू रिस्पेक्ट। कह रहे हैं कि अम्बेडकर कभी भी गांधी जी की पर्सनैलिटी से ओवरवेल्म नहीं हुए, ओवरवेल्म मतलब नर्वस नहीं हुए, या उनको देखकर कभी डरे नहीं, उनको देखकर ये नहीं सोचा कि ये तो इतनी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, इतने एजुकेटेड है, फिर ऊंची कास्ट के भी हैं, तो इस चीज़ से वो कभी डरे नहीं। हालांकि उन्होंने उनकी इज्जत हमेशा की, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनकी रेपुटेशन में से घबरा करके उनकी सारी बातों पर हाँ हाँ कर डरे, ऐसा नहीं हुआ। गांधी रेसिप्रोकेटेड हिम विद द अनकंसील्ड एडमिरेशन। तो गांधी जी ने भी उनको इसी तरीके से रेसिप्रोकेट किया, यानी जिस तरह वो उनकी इज्जत करते थे वो भी उनकी इज्जत करते थे। दे नेवर सॉट टू चेंज ईच अदर्स व्यूज, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो एक दूसरे के व्यूज को बदलें, जैसा जो सोच रहा है वो उसकी रिस्पेक्ट करते थे। दे आर टू राइवल वर्जन्स ऑफ मोरालिटी लार्जली इनकम्पैटिबल बट नोन फॉर देयर सिंसियरिटी ऑफ पर्पस डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ नोबल कोर्स। कह रहे हैं कि वो दोनों ही राइवल थे, उन दोनों के वर्जन, उन दोनों की सोच जो थी वो दोनों ही राइवल थी, और वो मोरालिटी के बारे में बात कर रहे थे। मोरालिटी मतलब कि हर इंसान के पास राइट्स हैं और कोई कास्ट कोई धर्म उससे उस राइट्स को उसे छीन नहीं सकता, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल थे, मतलब सूट नहीं करते थे, अलग अलग थे, दोनों की सोच बहुत अलग अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत सिंसियर थे। वो अपनी सिंसियरिटी के लिए और अपने मकसद को लेकर लोगों के फायदे के लिए काम करने के लिए बहुत मशहूर थे। उसके बाद देखते हैं विक्रम साराभाई वर्सेस सतीश धवन। अब ये दोनों हैं, मेरा ख्याल है कि आप इनके नाम शायद ना जानते हो, ये दोनों ही साइंटिस्ट थे। तो देखते हैं इनके बारे, इनके बीच में क्या राइवलरी रही थी। साइंटिस्ट वैलिड टू नॉलेज एंड रिसर्च फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी शुड बी अबव राइवलरीज, बट द डिजायर फॉर रिकॉग्निशन एंड अ प्लेस इन हिस्ट्री डू क्रिएट सच राइवलरीज। कह रहे हैं कि साइंटिस्ट को जो हम कनेक्ट करते हैं वो नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, है ना। हम सबको ये लगता है कि भाई साइंटिस्ट के पास जो है बहुत नॉलेज होती है, और हमारी तमाम किताबें जो हैं साइंस की, यानी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स पर जो लिखी गई है ना, फिर फैक्ट्स पर, फिर एक्सपेरिमेंट्स पर, फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उस पर। और ये भी माना जाता है कि रिसर्च जो की जाती है, यानी खोजबीन जो आप करते हैं, वो आप किस लिए करते हैं, इंसानियत की भलाई के लिए, ठीक है। और इस सब के बीच में राइवलरी कहीं नहीं आती, ये सब जो बातें हैं ये सब राइवलरी से ऊपर की बातें हैं, ठीक है। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जब इंसान चाहता है कि उसकी पहचान हो, उसको लोग जाने, तो उसके बाद फिर राइवलरी होना संभव है। तो हम कहते हैं कि इसी तरीके की राइवलरी ने जो है हिस्ट्री में अपनी जगह बना रखी है। तो जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, विक्रम साराभाई एंड सतीश धवन वर टू टावरिंग इंडियन साइंटिस्ट हू वर बाय नो मींस राइवल्स। कह रहे हैं विक्रम साराभाई और सतीश धवन जो है वो दोनों ही इंडियन साइंटिस्ट हैं, वो भी टावरिंग साइंटिस्ट, मतलब बहुत बेहतरीन वाले साइंटिस्ट हैं ये।
और बजाय उनके बीच में कोई राइवलरी नहीं थी, दे वर एक्चुअली पियोनियर्स एंड सक्सेसर्स। तो कह रहे हैं कि वो असल में जो है वो पियोनियर्स थे। पियोनियर्स बोलते हैं स्टार्टिंग करने वाला, जिसने कोई भी काम स्टार्ट किया हो तो वो पियोनियर्स है। धवन केम टू हेड इंडियन स्पेस प्रोग्राम आफ्टर द डेथ ऑफ साराभाई। धवन, ये सतीश धवन जो है ये हेड बन गए इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, कब, जब साराभाई की डेथ हो गई। यानी एक दूसरे के सामने नहीं आए कभी, टकराव नहीं हुआ इनका। दे वर हाउ एवर राइवल्स इन द पब्लिक ओपिनियन एंड इन द परसेप्शन ऑफ इंडियन स्पेस साइंटिस्ट। तो ये कह रहे हैं कि हालांकि वैसे तो कोई इनकी राइवलरी नहीं थी, ठीक है, इनका कोई मैच ही नहीं था, एक की डेथ के बाद दूसरे सामने आए, तो ये कह रहे हैं कि लेकिन लोगों की नज़र में जो ये राइवल्स हैं, और लोगों की नज़र में भी, और जो साइंटिस्ट थे उनकी समझ के हिसाब से भी, दोनों एक दूसरे के राइवल रहे। द पॉइंट ऑफ राइवलरी इज हु डिजर्वली क्लेम्स द ऑनर और बीइंग कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया स्पेस रिवोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि राइवलरी थी किस पॉइंट पर, तो राइवलरी का जो पॉइंट था वो ये था कि इन दोनों में से कौन फादर ऑफ इंडिया स्पेस रिवोल्यूशन कहलाया जाए। ठीक है, जैसे फादर ऑफ नेशन हमारे महात्मा गांधी हैं, तो ऐसे ही इंडिया स्पेस रिवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाए, विक्रम साराभाई को या सतीश धवन को। व्हेन इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च वॉज सेटअप इन 1962, विक्रम साराभाई हेडेड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं कि जब इंडियन नेशनल कमेटी जो है वो बनाई गई स्पेस रिसर्च के लिए 1962 में, तो विक्रम साराभाई ने उसको हेड मतलब वहाँ के हेड वो बने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। इट वॉज साराभाई हु सर्च एंड लोकेटेड द साइट एट थोम्बे विलेज नियर तिरुवनंतपुरम। कह रहे हैं कि ये विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने जगह सर्च की थी थुम्बे गाँव में, थुम्बे गाँव का नाम है कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम के पास। वेन ही टुक चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हिज एम वॉज टू यूज सेटेलाइट टीवी फॉर एजुकेशन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। जब उन्होंने इस चीज़ का चार्ज संभाला, यानी जब वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड बने, तो उनका ये मकसद था कि वो सेटेलाइट टीवी को एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और नवंबर 21, 1963 विक्रम एंड हिज टीम लॉन्च द फर्स्ट रॉकेट फ्रॉम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS इन टू स्पेस। कह रहे हैं 21 नवंबर 1963 को विक्रम और उसकी टीम ने पहला रॉकेट लॉन्च किया, कहाँ से, थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से, ठीक है, स्पेस में भेजा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम। कह रहे हैं कि ये इंडिया के एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम की, एम्बिशियस मतलब यानी जिसने बहुत कुछ सोच रखा है करने के लिए, है ना, तो ये उसकी शुरुआत थी। विच हैज नाउ रीच लास्ट ईयर्स मून मिशन चंद्रयान। कह रहे हैं कि जो अब कहाँ तक पहुँच चुका है, पिछले साल चंद्रयान गया है तब तक पहुँच चुका है। ये पुराने बुक है आपकी, तो चंद्रयान अभी तो नहीं गया, पहले गया था, उसके बाद तो हम मंगल पे भी जा चुके हैं, मंगलयान भी भेज चुके हैं हम, और उसके बाद चंद्रयान टू भी जा चुका है, यानी हम दो चीज़ें और हमने आगे कर ली। ड्यूरिंग इंदिरा गांधी पीरियड देर वॉज अ मूव टू फ्री स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी। तो इंदिरा गांधी की पीरियड की बात है, यानी उस जमाने की बात है जब इंदिरा गांधी थी, तो उनका उन्होंने ये काम किया कि जो स्पेस प्रोग्राम है उसको अटोमिक एनर्जी से फ्री कर दिया जाए, यानी उसके अंदर अटोमिक एनर्जी का इस्तेमाल ना किया जाए। साराभाई वॉज अपसेट ओवर दिस आइडिया एंड ही फेल्ट दैट इट रिफ्लेक्टेड अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिम। साराभाई जो है वो इस चीज़ से अपसेट हो गए, और इस आइडिया से उनको लगा कि उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई। ही कुड नॉट लिव लॉन्गर एंड डाइड आफ्टर 3 मंथ्स। और उसके बाद उन्होंने वो ज़्यादा लंबा जी नहीं सके, और 3 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। इंदिरा गांधी वॉन्टेड सतीश धवन, देन द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टू हेड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू असाइनमेंट। तो कह रहे हैं जब उनकी डेथ हो गई, तो इंदिरा गांधी ने चाहा कि अब सतीश धवन को यहाँ का डायरेक्टर बना दिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, ताकि वो उस डिपार्टमेंट को के हेड बन जाए, है ना, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि वो कोई भी नया असाइनमेंट नहीं लेना चाहते थे। द प्राइम मिनिस्टर हैड MGK मैनन टू टॉक टू धवन। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने, यानी इंदिरा गांधी ने कहा, MGK मैनन उस जमाने के कोई पर्सन होंगे ये, उनसे कहा कि आप धवन से बात करें। धवन सबमिटेड अ 6-पेज लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर आउटलाइनिंग अ 20-ईयर प्रोफाइल फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम। कह रहे हैं धवन ने 6 पेज का लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, और उसके अंदर पूरी आउटलाइनिंग दी 20 साल की, यानी 20 साल से इंडियन स्पेस प्रोग्राम में क्या क्या हो चुका था वो सब उन्होंने उनको लिख कर दिया। ही ऑल्सो लेड डाउन द कंडीशन दैट द डिपार्टमेंट शुड बी लोकेटेड इन बैंगलोर एंड ही शुड ऑल्सो बी अलाउड टू कंटिन्यू टू हेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और उन्होंने उसके अंदर कुछ शर्तें भी रखी, तो वो शर्त क्या थी, वो ये थी कि जो उनका डिपार्टमेंट होगा वो लोकेट होगा बैंगलोर में, ठीक है, वैसे कहाँ पर था ये, तिरुवनंतपुरम था, थुम्बा विलेज में, और साथ साथ उनको ये अलाउ किया जाएगा कि वो एक साथ दो जगह को संभालेंगे, है ना,
अलाउड टू कंटिन्यू, मतलब यानी कि वो कहाँ के हेड थे पहले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के थे, तो वो इसको भी संभालेंगे और जब वो पहले काम कर रहे थे उसको भी संभालेंगे। इट इज नो डाउट अ फैक्ट दैट द विजन ऑफ विक्रम साराभाई रियली मटेरियलाइज ड्यूरिंग धवन पीरियड। कह रहे हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि विक्रम साराभाई का जो विजन था वो एक्चुअल में उसको मटीरियलाइज किया गया। मटीरियलाइज का मतलब होता है उससे फायदा उठाया गया धवन के पीरियड में, ठीक है। इट इज ही हु ब्रॉट अबाउट द नीडेड स्किल्स एंड वाइड रेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इनटू द इंस्टीट्यूशन व्हिच रिजल्टेड इन द प्रेजेंट अचीवमेंट इन द स्पेस ट्रैवल। कह रहे हैं विक्रम साराभाई ही थे जो कि बहुत सारी स्किल्स को, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट को, बहुत सारी ज़रूरत को, अपने ज़रूरतों को मिलाकर के कुछ नई चीज़ें लेकर आए थे वो, और उनकी वजह से ही हम आज के ज़माने में इतने सारे जो स्पेस ट्रैवल में हम जो बहुत सारे अचीवमेंट लेते जा रहे हैं वो उनकी वजह से ही हुआ है ऐसा, ठीक है। इट हैज़ नाउ बिकम अ मूट क्वेश्चन अमंग साइंटिस्ट एज हु इन रियलिटी डिजर्व्स द ऑनर टू बी कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया स्पेस रिवॉल्यूशन। कह रहे हैं कि इस तरह अभी एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि दोनों साइंटिस्ट में से कौन कौन इस लायक है कि उसको फादर ऑफ इंडिया स्पेस रिवॉल्यूशन कहा जाए। द फैक्ट इज दैट सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। तो इसका जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो ये है कि सक्सेस के बहुत से पिता होते हैं, कामयाबी के बहुत से पिता होते हैं, या किसी एक के करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उसके बाद जाकर के हमें सक्सेस प्राप्त हो पाती है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज विदाउट क्वेश्चन द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि ये हमारे हमारी कंट्री का बेहतरीन डिपार्टमेंट है और सक्सेसफुल डिपार्टमेंट है ना, साइंटिफिक डिपार्टमेंट है और वो भी सक्सेसफुल है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए इंशाल्लाह आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको काम बता देती हूँ, क्या काम करना है आपको। यहाँ पर देखिए वार्म अप में, वार्म अप में यहाँ पर आपको पर्सनैलिटीज दे रखी है, जैसे इंदिरा गांधी है तो उनके फील्ड ऑफ राइवलरी क्या है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में थी वो, किसकी राइवल थी वो, जुल्फिकार अली भुट्टो की, ठीक है। यहाँ पर नेम्स दे रखे हैं तो ये आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर नेम्स दे रखे हैं आप सर्च भी कर सकते हैं, और वैसे मैंने लिख भी रखा है तो आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं उसे देख करके। ये वाला काम आप ग्रामर कॉपी में कीजिएगा अपना, और प्रॉपरली लिखिएगा, जो भी फील्ड ऑफ राइवलरी है वो भी प्रॉपर लिखिएगा, और जो राइवल है वो भी प्रॉपर लिखिएगा। उसके बाद आपको ये वर्ड्स मीनिंग करने हैं, वर्ड्स मीनिंग आप करेंगे क्वेश्चन आंसर की कॉपी में, और एज यूजुअल कीजिएगा इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।